हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी जो हम नर्सरी से अगर कोई गुलाब लेकर आते हैं तो उनके क्या होता है, जब स्टार्टिंग में लाते हैं फ्लावरिंग अच्छे से होती है लेकिन कुछ दिन बाद उनमें फ्लावर नहीं खिलते हैं, रीज़न क्या होता है और उनके निवारण क्या है, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जब मैं इसी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम कभी नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं उस टाइम पर तो अच्छे से फ्लावरिंग होती है लेकिन बाद में क्या होता है, वो प्लांट वैसे के वैसे हमारे गार्डन में खड़ा रहता है, बिल्कुल फ्लावर नहीं आता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम पौधे लाते हैं उसमें से जितने भी हम नर्सरी वाले जो होते हैं ना फर्टिलाइज़र दिए रहते हैं वो सारी एनर्जी वो फ्लावरिंग में चली जाती है। तो जब हम प्लांट लेकर आते हैं घर पर तो हमें उनको जैसे फ्लावर की जो डोज होता है, अगर हैवी ब्लूमिंग हो रहे रोज़ प्लांट तो आपको पता ही है हैवी ब्लूमिंग प्लांट होते हैं तो उनको टाइम टाइम से हमें फर्टिलाइज़र देना होता है। तो वो कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आपके यहाँ पे फ्लावर खिल रहे हैं, फ्लावर एक्सपैंड हो चुके हैं तो उसको फ्रेंड आप कट करके ज़रूर निकालें। ये गलती बिल्कुल ना करें कि वो मुरझाए हुए फूल उसी में लटके रहें। ये गलती अगर आप करेंगे तो आपका प्लांट जाहिर से फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा, उनको हटा देना है। साथ साथ में एक्स्ट्रा कभी कभी कलियाँ मुरझाई हुई आती हैं या फिर कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं उनको भी हमें देखना होता है, तो उनके लिए आप अच्छा सा कोई स्प्रे करें ताकि वो हट जाएँ। और जो कलियाँ मुरझाएँ उनको कट करके अलग रखें क्योंकि वो भी एनर्जी वेस्ट करती हैं, प्लांट की ग्रोथ को रोकती हैं, कलियाँ नहीं आएंगी। ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। और मेन चीज़ क्या होता है फ्रेंड्स, पौधे आप जिस पौधे में हमें फ्लावरिंग लेनी, जैसे हमारा रोज़ प्लांट आ गया तो ज़्यादा दिन तक ही एक ही गमले में आप प्लांट को लगाकर मत रखिएगा, उनकी रिपोर्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती। आप हफ्ते पर रख दीजिए, 15 दिन तक दीजिए, बट ज़्यादा लंबे समय तक मत रखिएगा क्योंकि उनको नई जगह अगर से मिलती है उनको टाइम लगता है वहाँ पर एडजस्ट होने में, तो उनके लिए एक हफ्ता काफ़ी होता है। लेकिन उनके जब इसे आ जाते हैं हमारे गार्डन में पौधे, पौधों को साथ रखने का उनका आदत बनाए, जैसे होता रहने की आदत होती है, पौधों के साथ रखिए रिपोर्ट करके। और जब भी रिपोर्ट करें उसकी मिट्टी आप गार्डन की मिट्टी और नर्सरी वाली मिट्टी दोनों में मिला के करें, जड़ को छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। अगर रूट डिस्टर्ब हुई उसमें भी आपको फ्लावरिंग नहीं मिलने वाली, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ साथ में फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र, जिसे मैंने बताया फर्टिलाइज़र मेन होता है, तो फर्टिलाइज़र ज़रूरी हो जाता है हमारे पौधे के लिए। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने, ये मेरा नर्सरी का लाया हुआ पौधा था, मैंने कट किया हुआ था और जिसे मैंने कट किया इसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई, नई नई जगह से सूट निकलना शुरू हो गई। आप चाहें तो प्रून भी कर सकते हैं, प्रून बेस्ट होता है अच्छे से फ्लावरिंग पाने का, तो ये काम ज़रूर करिएगा। एक प्रूनिंग हो गया, एक हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे मिट्टी की गुड़ाई, जैसे कि पौधे हम लाए लगा के रखे हुए हैं ज़्यादा दिन हो गया गुड़ाई भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है वहीं पे स्थिर हो जाती है। तो रूट को अच्छी से ऑक्सीजन चाहिए, धूप चाहिए, जो आप लोग को पता है पौधों को धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा से एयर सर्कुलेशन होगा जो हमें, तभी अच्छे से ग्रोथ करेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, तो इस चीज़ को ज़रूरी है। मिट्टी भी यहाँ पर मेन काम करती है, मिट्टी भी अच्छी से भुरभुरी बनानी, बिल्कुल सख्त नहीं बनानी है। अगर अच्छी भुरभुरी मिट्टी रहेगी फिर उतनी अच्छे से आपकी जड़ें फैलेंगी, जितनी अच्छे से जड़ें फैलेंगी उतनी अच्छे से ग्रोथ भी करेंगी, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है टाइम टाइम से, ज़्यादा दिन में तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन बाद ज़रूर कर दें। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे फर्टिलाइज़र के, हमें अपने जो गुलाब के प्लांट हैं उनको फर्टिलाइज़र क्या देना। नर्सरी वाले जब पौधे देते हैं उसमें फर्टिलाइज़र दे के देते हैं लेकिन हमें लाने के बाद भी इनको फर्टिलाइज़ करना होता है, तो देना क्या है। ये मैंने अभी नर्सरी से लेकर आया हुआ था कुछ दिन पहले गुलाब जीवन, ये मैंने कई बार ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, ऑर्गेनिक होता है ये, और इसकी मात्रा भी बताई गई है किस गमले में कितना कैसे देना है, उसी अकॉर्डिंग हमें देना है। आप भी अगर नर्सरी में जाते हैं तो इसको आप ज़रूर ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। वैसे मैंने 80 रुपये में लिया हुआ है, प्राइस जो है 104 या 108 ऐसे कुछ करके, बट 80 रुपये में मुझे मिला है। तो मैं यहाँ पे सारे पौधों में दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि जैसे कि छोटा गमला है तो उनके लिए थोड़ा सा, बड़ा गमला है तो बड़ा, पौधे का अकॉर्डिंग फ्रेंस देना है। बड़े गमले में छोटे पौधे को आप बिल्कुल मत लगाइएगा, इससे आपको लॉस हो सकता है,
यानी कि ओवर वाटरिंग हो सकती है जिससे आपके पौधे भी मर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ किस क्वांटिटी में कैसे इनके लेना है। तो सबसे पहले पौधे की गुड़ाई कर लेना है, देने से पहले अच्छे से कभी भी कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो उनकी गुड़ाई 1-2 इंच की कर लेनी है, या मिट्टी हटा के भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, ये थोड़ा सा मतलब हमें नाप के देना होता है, अगर इस तरीके से कोई फर्टिलाइज़र देते हैं 8 इंच का आपका गमला है तो 1-2 चम्मच करके दे सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक मुझे दिख रहा है, उसमें राइस वगैरह मिला है, मुझे नहीं पता किस वजह से उन लोगों ने ऐड किया हुआ है, बट कोई नहीं, मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा से सारे गमलों में दे दूँगी ताकि सारे गुलाब में असर कर जाएगा। ऐसे मैं हर 15 दिन में कुछ ना कुछ अपने पौधों को देती रहती हूँ फ्लावरिंग के लिए, तो ये अच्छा होता है देते हुए कि अगर फ्लावर आ रहे हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, तो फर्टिलाइजर देने से उनकी ग्रोथ भी होती रहती है, साथ साथ में फ्लावरिंग भी आती रहती है। तो देने के बाद में आप आ चाहें तो इस तरीके से इनको मिला भी सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूँ, पानी भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर ज़्यादा पानी देंगे आपका पौधा मर जाएगा, कम देंगे तब भी मर जाएगा, तो पानी की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। और आप भी अभी क्या है कि विंटर का टाइम है, तो इस टाइम पर थोड़ा सा पानी देख के देना है, कभी कभी विंटर में क्या होता है ज़्यादा हो जाता है या कभी कम हो जाता है, बट मैं बता दूँ तो पानी आपको 2 या 3 दिन गैप करके देना है। अगर कम भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा होने से फंगस लग जाएंगे, फिर रूट रॉट हो जाएगा ओवर वाटरिंग की वजह से, तो आप देख कर दीजिएगा। आपने देखा होगा मैं मिट्टी की गुड़ाई कर रही थी, मिट्टी थोड़ी सख्त लग रही थी, तो रीज़न यही है, मैं रोज़ बिल्कुल पानी नहीं देती हूँ, कभी कभार देती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ऐसे फर्टिलाइज़र आप अपने गार्डन के गुलाब के दे सकते हैं, गुलाब को कोई भी गुलाब आपका इंग्लिश हाइब्रिड या फिर देसी भी दे सकती हैं, और वैरायटी तो होती है रोज़ की कोई भी प्लांट में। हर 15 दिन में इन फर्टिलाइज़र को अगर देते रहेंगे तो आपका जो गुलाब का पौधा है फूलों से भरा रहेगा, कभी भी फूलों की कमी नहीं होने वाली है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो आपका जो प्लांट है अच्छे से चलता रहेगा, चाहे नर्सरी से लाए हों या फिर खुद के जो प्लांट हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते फिर न्यू वीडियो न्यू प्लांट न्यू इन्फॉर्मेशन।